Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates. ये एक्चुअली हमारा एक रिसर्च हुआ था दानिया कॉलेज और त्रिपुड़े कॉलेज रिसर्च किए थे कि इसमें ये मुद्दा भी निकला था कि पुलिस स्टेशन काफ़ी कुछ डार्क है, अनफ्रेंडली है, ये सब आया था मुद्दा। तो इसलिए हम ये एक्शन प्लान में लेके हमने ये सब ब्यूटिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन किए है। तो सभी अभी भाईंदर पुलिस स्टेशन, नवगढ़ पुलिस स्टेशन हो चुका है, SDPO भाईंदर, ये तीनों ऑफिस में अभी हमारा सभी वॉल्स में एक नया कॉन्सेप्ट साइबर क्राइम के बारे में, चेन स्नैचिंग, अभी गणेश विसर्जन, ऐसा कुछ थीम्स लेके हमने ब्यूटिफिकेशन किया है। ये मेन हमारा मुद्दा है कि पुलिस स्टेशन फ्रेंडली हो जाए और डार्क ऐसा नहीं लगना चाहिए और लोगों को भी अच्छा लगेगा। सर, होप फाउंडेशन के बारे में आपका क्या कहना है? होप फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ के उनका पेंटर्स आए इधर और हमने सिर्फ थीम दिया था। स्वरूप मुखर्जी, आप हमको अपने होप फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अपना जो होप फाउंडेशन है, ये नाम ही है होप मतलब लोगों के दिलों में उम्मीद। तो अतुल कुलकर्णी सर ने जब हमारे गणेश को जब बोला तो गणेश ने आके मेरे पास आके बोला, सर ने ऐसा ऐसा कुछ विभिजन करना चाहता है लोगों के अंदर में एक अवेयरनेस जगाने के लिए। तो मैं तुरंत बोला तुम लोग करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर का भी जो थॉट लगा, शायद मेरा भी वही थॉट है। जो ड्रग्स का है, जो ATM फ्रॉड होता है, ये हम लोग लोगों के अंदर में हर बार हम लोग इंजेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो जब रोज़ देखेंगे ना तो देखते देखते उनका एक मतलब वो भी एक एम्प्रिय हो जाएंगे, मतलब अवेयरनेस हो जाएंगे, जो नहीं मेरे से कुछ गलती हो सकता है, मैं ATM किसी कार्ड किसी को नहीं दूंगा, मैं ड्रग्स नहीं लूँगा। तो इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा और सर का साथ मेरा सबसे अच्छा लगा, तो जिसकी वजह से मैं ये हूँ। ये सिर्फ आप पुलिस स्टेशनों में करें या बाकी और कहीं जगह कर रहे हैं? फिलहाल देखो, अभी तो हम लोग पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, बाकी हम लोग का होप फाउंडेशन की तरफ से काफ़ी प्रोग्राम होते रहते हैं, काफ़ी हम लोग काम करते रहते हैं। कुछ दिन पहले हम लोग ने मेडिकल कैम्प लगाए थे, हम लोग का मतलब जो गरीब लोगों का जो मतलब इलाज नहीं होता बराबर, तो हम लोग का हॉस्पिटल के साथ काफ़ी टाई अप किया हुआ है, तो हम लोग उसको ट्रस्ट के जरिए उनका वो इलाज करने की कोशिश करते हैं। ये आपने जो सोशल मैसेजेस दिया है, ये आप और भी पब्लिक प्लेसेस में कर सकते हो, ये सिर्फ पुलिस से उनके बारे में जितना भी बोले उतना कम है। आज वो आने के बाद काफ़ी सारे एक्चुअली उन्होंने ये गाइडेंस दिया हमको ब्यूटिफिकेशन का। एक्चुअली वो आने के बाद काफ़ी सारे हुक्का पार्लर बंद हुआ है, जैसे कि काफ़ी सारे हुक्का पार्लर, ड्रग्स 80% कम हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें से कम हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगा कि सर एक सिंसियर और हॉनेस्ट ऑफिसर भी है जो लोगों को हमेशा सेवा करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने ये इनिशिएटिव का आइडिया कहाँ से आई, किसके कैसे आपके जो स्वरूप मुखर्जी हैं आपके होप फाउंडेशन के, ये आइडिया उनका था या आपका ग्रुप मेंबर्स का? एक्चुअली हमने जाके सर को बोला था कि हमको ऐसा ब्यूटिफिकेशन करना है, अतुल कुलकर्णी सर ने बोला है, तो उन्होंने